चलो स्टार्ट करते हैं यार। कहाँ तक कर लिए थे हम लोग? रैशनल पूरा कर लिए थे ना, इरैशनल स्टार्ट करना है। ठीक यस सो व्हाट आर इरैशनल नंबर्स? क्या होता है, कोई बताएगा? सर, द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। हाँ, एक तो ये हो गया जो रैशनल का है उसका जस्ट अपोजिट कर दो आप, तो इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। दूसरा हो जाएगा कि व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल फॉर्म, ओके, तो ये हमारा क्या रहता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग दोनों होगा, ना तो ये टर्मिनेट करेगा और ना ही रिपीट करेगा। ठीक है, ऑल दोज नंबर्स यस which are non-terminating and non-repeating are called irrational numbers. अब एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें बहुत सारे नंबर्स हम लोग लिख सकते हैं। जैसे मान लो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग लिखना है तो आप सिंपल सा एक लिख लो 101, ठीक है, जीरो आप चेंज करते जाओ या वन चेंज करते जाओ, दो से तीन कर दो, तो ये देखो ना ही रिपीट हो रहा है और ना ही टर्मिनेट कर रहा है हमारा, ठीक है, 401 ऐसे करके कंटिन्यू चला जाएगा। तो एक तो ये एग्जाम्पल हो गया, इसी टाइप का बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 0.21211, ठीक है, ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएगा। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग के फॉर्म में आपने लिख दिया। सेकेंड हमारा होता है, ये फर्स्ट टाइप हो गया। सेकेंड टाइप आपका क्या होता है, रूट ओवर एम, इस फॉर्म में स्क्वायर रूट ऑफ एम, और एम यहां क्या है, वेयर एम इज अ एनी पॉजिटिव एम इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, राइट? परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो तो रूट के बाहर आ जाएगा। विच यस सर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आपका रूट टू हो गया, ठीक है, रूट थ्री हो गया, रूट फोर होगा कि नहीं होगा? नो सर, रूट फोर क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है तो ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा रूट फाइव, सिमिलरली रूट सिक्स हो जाएगा, रूट सेवन, एंड ऐसे तो आप सॉरी रूट सेवन, ऐसा बहुत सारा आप लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स हो गए। थर्ड, अगर क्यूब रूट के फॉर्म में लिखते हैं हम, तो क्यूब रूट ऑफ एन, यहाँ पर एन हमारा एक इंटीजर है, विच इज अगेन नॉट अ परफेक्ट क्यूब, वेयर एन इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, निगेटिव भी हो सकता है क्या? नो सर, नहीं, विच इज नहीं सर, Not a, क्यों नहीं हो सकता है अजीत? सर निगेटिव होगा तो उसका क्यूब करेंगे तो फिर क्यूब तो नहीं होता हो है ना, पाएगा ना। ठीक है, क्यूब होता है, हाँ क्यूब के सर, केस में होता है, स्क्वायर के केस में नहीं होता है, इसीलिए मैंने बोला कि निगेटिव हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ इंटीजर हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि माइनस टू का आप क्यूब करोगे तो कितना आता है, माइनस एट आता है, अब माइनस एट का आप क्यूब रूट ले लो, ठीक है, तो टू आ जाएगा, हाँ माइनस सर, एट का क्यूब रूट अगर ले लेते हैं तो माइनस टू आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पर निगेटिव हो सकता है हमारा। चलो तो इस केस में हम क्या लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ टू, क्यूब रूट ऑफ फोर, क्यूब रूट ऑफ फाइव, क्यूब रूट ऑफ एट नहीं होगा क्योंकि वो परफेक्ट क्यूब है, ठीक है, तो ऐसे ही आप बहुत सारे लिख सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ सेवन, बहुत सारा हो जाएगा। चलो ये थर्ड टाइप हो गया। फोर्थ में हमारा एक होता है पाई, पाई भी हमारा एक इरेशनल नंबर है। पाई की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होती है, किसी को याद है? वैसे हम लोग अप्रोक्सीमेट लिखते हैं 22/7, राइट? हाँ, 3.143।
3.14159, यहां तक तो मुझे याद है, उसके आगे याद नहीं है। ठीक है, उसके आगे भी ऐसा मतलब डिजिट्स तो आते जाता है बट नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीट नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग डिजिट्स आते हैं, कोई आपका एक नॉर्मल फॉर्म में रिपीट नहीं होगा कि सर्टेन आपका सर्टेन डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, ये नहीं होता है यहाँ। ठीक है, तो ये भी हमारा एक इरेशनल नंबर है पाई। और हम ये जो लिखते हैं 22/7, दिस इज एक्चुअली नॉट अ करेक्ट, दिस इज ओनली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होता है। ठीक है, ये हमारा सही नहीं है, अप्रोक्सीमेट है वो। चलो, ये चार टाइप का हो गया। ओके, द नंबर्स दैट आर एक्सप्रेसिबल एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल व्हेन एक्सप्रेस्ड इन डेसिमल फॉर्म, इसे हम इरेशनल नंबर बोलते हैं। दूसरा हमारा जो आप अभी अजीत ने बोला, ठीक है, क्या बोलेंगे आप, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन पी बाई क्यू फॉर्म, नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटेन इन पी बाय क्यू फॉर्म। ठीक है, बाकी आगे तो पी और क्यू इंटीजर्स है एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं। चलो, इसमें जो है ना, एक्चुअली आज का लेक्चर काफी बोरिंग होने वाला है। ठीक है, यस बहुत सारा ऐसा ऐसा थियोरम है इरेशनल नंबर में, जैसे प्रूव करना हमें √2 इज क्या बोलते हैं इरेशनल, √5 इज इरेशनल, इस टाइप का चीज है वो। बहुत मतलब बोरिंग चीज मुझे लगता है, आप लोगों को पता नहीं कैसा लगता है। हाँ ठीक है, सर, हाँ बोरिंग है बट आता है सर एग्जाम में। हाँ अच्छा आता है, एग्जाम में एक का आएगा ही आपको। अब देखो, जैसे यहाँ पर क्या बोल रहा है, पी इज अ प्राइम नंबर है और पी अगर डिवाइड करता है मेरा ए स्क्वायर को, देन पी विल डिवाइड ए ऑल्सो। ये हमें प्रूव करना है, ये थ्योरम है, ए इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो इसमें प्रूव करना है ये हमें। कैसे करते हैं, तो यहाँ एज्यूम कर लेंगे, अच्छा जो वो तो गिवन नहीं है, लेट पी बी अ प्राइम नंबर एंड ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अब ए हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है। हम लोग क्या पढ़े हैं, फंडामेंटल रूल ऑफ, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक। क्या बोलता है अरिथमेटिक वो, कि कोई भी नंबर हम लोग प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, राइट, प्रोडक्ट ऑफ यस प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, देखो, तो एज एनी इंटीजर, एनी पॉजिटिव इंटीजर कैन बी रिटेन, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स प्राइम फैक्टर्स। सो लेट हम लोग एज्यूम कर लेंगे ए को। ठीक है, ए इज इक्वल टू सपोज P1 मल्टीप्लाइड बाई P2, ये सारे प्राइम फैक्टर्स हैं ए का, P1 P2 मल्टीप्लाइड बाई P3, मल्टीप्लीकेशन है इसलिए मैं कुछ बीच में लिख नहीं रहा हूँ, ऐसे डॉट आप लोग दे सकते हो या क्रॉस दे सकते हो। ठीक है, P4 एंड इसी तरह आपका रिपीट होता चला जाएगा, सपोज PN। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है कि P1 P2 में कुछ कुछ कॉमन भी आ सकता है, जैसे होता है ना, हम लोग किसी भी नंबर को करते हैं, मान लो 4 है, तो ये क्या होता है 2 स्क्वायर, तो यहाँ रिपीट हो रहा है, देख रहे हो आप 2 × 2, यस तो रिपीट भी हो सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि P1 P2 सभी अलग अलग है। ओके, वेयर P1 P2 और PI मे बी डिस्टिंक्ट, मे बी डिस्टिंक्ट, मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, सॉरी, मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, अलग नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो, ए तो हमें मिल गया, अब क्या बोल रहा है कि पी डिवाइड्स ए स्क्वायर। ठीक है, सिंस पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर को इस फॉर्म में लिखते हैं,
देयरफॉर ए स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा, पी वन पी टू पी थ्री इतना ही लिखते हैं अप टू पी एन, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे हम, ठीक है, पी वन पी टू पी थ्री एंड पी एन, ए स्क्वायर यही हो गया। और इसे हम लिख सकते हैं फिर ए स्क्वायर इक्वल टू पी वन का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पी टू का स्क्वायर पी थ्री का स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू पी एन का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पर हमने लिखा नहीं है मे नॉट बी डिस्टिंक्ट, ओके चलो ठीक है, पी वन स्क्वायर पी टू स्क्वायर। अब मान लो ये हमारा क्वेश्चन वन है। अब देखो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, ठीक है, एज पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो पी आइदर इसी में से कोई एक होगा या तो पी वन होगा क्योंकि सारा प्राइम फैक्टर्स तो हमने ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है, तो पी पी वन में से पी टू में से पी थ्री या पी एन में से कोई एक ही होगा तभी वो डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को। एज पी डिवाइड्स ए स्क्वायर सो पी मे बी एनी वन ऑफ पी वन पी टू एंड सो ऑन, ठीक है, इसी में से कोई एक होगा। अब देखो क्योंकि इसी में से कोई एक है सो वी सो नहीं एज यहां लिखा ओके ऑल्सो एज पी वन पी टू पी एन आर फैक्टर्स ऑफ ए, ठीक है। अब देखो पी डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को और ये इनमें से कोई एक है, ठीक है, और सेम ये सारे फैक्टर्स जो है ए का भी फैक्टर होगा, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर ही तो हमने किया है, फैक्टर्स तो रिपीट हो रहा है तो वो ए का भी फैक्टर होगा, ठीक है। सो हम लोग बोल सकते हैं सो पी मस्ट बी अ फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ मस्ट बी अ प्राइम फैक्टर ऑफ ऑफ ए देयरफॉर पी डिवाइड्स ए ए ऑल्सो हेंस पी डिवाइड्स ए स्क्वायर इट इंप्लाइज दैट पी डिवाइड्स सॉरी डिवाइड्स होगा पी डिवाइड्स ए स्क्वायर इट इंप्लाइज दैट पी डिवाइड्स ए, ठीक है। कैसे चेक कर सकते हो आप लोग ये, कोई एग्जाम्पल लेके आप देख लो, ठीक है, कोई नंबर आप ले लो, मान लो कि आपका ए स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है, ए स्क्वायर मीन्स आपका 64 ले सकते हो, एट का सॉरी ए स्क्वायर एट का स्क्वायर है, ठीक है, ये एट का स्क्वायर है मीन्स ए हमारा एट है, इसका प्राइम फैक्टर्स तो सिर्फ टू होगा। अब टू तो 64 को डिवाइड कर रहा है, टू आपको 64 को डिवाइड कर रहा है, बट टू देखो आप एट को भी डिवाइड करेगा, ठीक यस है, सर तो करेगा। कोई भी आप वैसा नंबर सेलेक्ट करना तो ये सेटिस्फाई कर जाएगा, ये थियोरम इससे बना है, ठीक है। और ये थियोरम का यूज है एक्चुअली, यहाँ तो यूज है ही, यस सर बाकी दूसरे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में भी यूज आता है। चलो तो दूसरा टाइप का प्रॉब्लम देखते हैं, जैसे ये आपका ये जो मैं बोल रहा हूँ ये थ्योरम, ये सभी इस टाइप का एक प्रॉब्लम आता ही है। पी मैंने एक जनरल ले लिया है तो ये आप नॉर्मल मेथड आप फॉलो कर सकते हो, ये सभी के लिए कोई भी पी प्राइम नंबर है, जैसे टू दे दिया आपको, रूट टू रूट थ्री रूट फाइव रूट सेवन कुछ भी दे देगा, आप हमेशा यही मेथड आपको फॉलो करना है। जैसे पी इज अ प्राइम नंबर देन वी हैव टू प्रूव दैट रूट पी इज इरेशनल, तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं कि कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमें प्रूव करना है कि रूट पी इरेशनल है तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि रूट पी इज सपोज रैशनल, नहीं।
ठीक है, हम कंट्राडिक्शन मेथड यूज करते हैं, और बाद में कुछ कंट्राडिक्शन आ जाता है तो बोलते हैं कि हमारा एजम्पशन ही गलत हो गया। ओके, सो दिस इज इरेशनल। सो यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट पी बी अ रैशनल नंबर, सॉरी रूट पी बी अ रैशनल नंबर साइड में एक पॉसिबल आप लिख दो। अब ये एक रैशनल नंबर है, सो हम लोग इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक यस है। सर, सिंस इट इज अ रैशनल नंबर, सो रूट पी कैन बी रिटन एज ए बाई बी, एंड ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड हैव नो कॉमन फैक्टर्स, नो कॉमन अदर देन फैक्टर्स अदर देन वन, ठीक है, को प्राइम है मतलब। यस सर, अदर देन वन एंड क्यू, सॉरी बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, डिनोमिनेटर में है तो बी तो जीरो नहीं होगा। अब देखो इसको हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं क्योंकि ये रूट के फॉर्म में है, तो स्क्वायर करेंगे तो रूट पी का स्क्वायर इक्वल टू ए बाई बी का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो यहां से हमें मिल जाता है, देखो पी इक्वल टू ए स्क्वायर अपन बी स्क्वायर, और इसे हम लिख सकते हैं पी टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है, सपोज दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन, पी टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। अब यहाँ देखो ए स्क्वायर का क्या दो फैक्टर है, हम लोग बोल सकते हैं एक फैक्टर आपका पी हो गया, दूसरा फैक्टर बी स्क्वायर हो गया, या बी भी बोल सकते हैं, ठीक है, यस तभी तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है क्योंकि दोनों हमारा इंटीजर है, बी देखो एक इंटीजर है और पी प्राइम नंबर है तो इंटीजर तो होगा ही, ठीक है, तो दोनों यस सर, आपका यहाँ पर इंटीजर है और दो फैक्टर हो गए, आप देख सकते हो मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, रिमाइंडर के फॉर्म में नहीं है ना, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन के फॉर्म में है, एज पी इज अ फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, सो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, पी डिवाइड्स ए स्क्वायर बोल सकते हैं, p डिवाइड करेगा क्योंकि एक फैक्टर है। अब देखो p डिवाइड a स्क्वायर, अभी जस्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a आल्सो, ये थ्योरम हम लोग यूज करेंगे, इट इंप्लाइज दैट p डिवाइड a, सिंस p इज अ प्राइम नंबर एंड एज पी डिवाइड्स ए स्क्वायर, सो पी डिवाइड्स ए, ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? यस। अब देखो पी डिवाइड्स ए मतलब क्या हो गया, पी हमारा फैक्टर हो गया ए का, सो कैन वी राइट P सॉरी A इक्वल टू P टाइम्स कोई दूसरा नंबर ले लेते हैं, दूसरा इंटीजर C, ठीक है, A इक्वल टू पी सी, ओके, यहां लेट लिखते हैं, सो नहीं लिखेंगे, लेट लेट A इक्वल टू पी सी वेयर C इज एन एलिमेंट ऑफ, C इज अ पॉजिटिव इंटीजर, राइट। अब देखो a इक्वल टू पी सी हो गया, हम उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, ठीक है, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू पी सी इन इक्वेशन वन, सब्स्टिट्यूटिंग a इक्वल टू पी टाइम्स सी इन इक्वेशन वन, क्या मिल जाएगा हमें, पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर,
पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर मतलब कि पी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक यस है। अब यहां से हमें मिल जाएगा, देखो पी पी कैंसल हो जाएगा, सो बी स्क्वायर इक्वल टू पी टाइम्स सी स्क्वायर। अब यहाँ यस यहाँ भी देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ठीक है, क्लियरली पी डिवाइड्स बी स्क्वायर, इट इंप्लाइज अगेन वही थ्योरम हम लगाएंगे, पी डिवाइड्स बी ऑल्सो, ओके ठीक है, पी डिवाइड्स बी। अब यहां देखो पी डिवाइड्स ए एज वेल एज पी डिवाइड्स बी, सो पी डिवाइड्स बोथ ए एंड बी, ए एंड बी, दस पी इज अ कॉमन फैक्टर, पी इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। एंड बी अब दोनों का कॉमन फैक्टर है, बट हमने क्या बोला था कि ए एंड बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, राइट, अदर देन वन, विच कंट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट ए एंड बी हैज नो कॉमन फैक्टर्स, हैज नो कॉमन फैक्टर्स। अच्छा ये कंट्राडिक्शन कहां से आया, क्योंकि हमने गलत एज्यूम किया। दिस कंट्राडिक्शन यस सर अराइजेस ड्यू टू आवर एजम्पशन, ड्यू टू आवर एजम्पशन दैट इजर इज नो नंबर क्या बोले, इजर इज नो नंबर ओह यस इज रूट पी इज अ रैशनल नंबर, हेंस रूट पी इज इरैशनल, पी कोई भी प्राइम नंबर हो सकता है, रूट पी इज इरैशनल, ठीक है। कोई डाउट है हाँ? एक बार देख लो, यही मेथड हर एक क्वेश्चन में आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आपका प्राइम नंबर है जिसका स्क्वायर रूट है उसको एक रैशनल नंबर के फॉर्म में आप लिख लो, ए बाई बी के फॉर्म में, स्क्वायर कर देना उसके बाद दोनों साइड, तो हमें मिल जाएगा पी टाइम्स बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहां से हम देख सकते हैं कि पी जो है हमारा ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, सो पी डिवाइड्स ए स्क्वायर इट मीन्स पी डिवाइड्स ए ऑल्सो, इसके पहले जो हमने थ्योरम पढ़ा था, ठीक है, और क्योंकि वो डिवाइड कर रहा है तो हम ए इक्वल टू पी सी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू पी सी, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूट कर देना प्रीवियस इक्वेशन वन जो हमारा है, पी बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वहां से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो अगेन बी स्क्वायर को हम लोग पी सी स्क्वायर लिख सकते हैं, और क्योंकि अगेन वो बी पी हमारा फैक्टर है बी स्क्वायर का, तो पी विल बी अ फैक्टर ऑफ बी ऑल्सो, तो कॉमन फैक्टर हो गया ए एंड बी का पी, तो वहां से हमारा कंट्राडिक्शन आता है और हम लोग बोलते हैं कि हमारा एजम्पशन गलत था, सो रूट पी इज इरेशनल। कोई डाउट किसी को, चलो आगे बढ़ते हैं। प्रूव दैट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, करोगे आप लोग सेम उसी तरह है। ट्राई करो आप लोग, ठीक है सर करते, चलो करके देखो, ज्यादा लिखना नहीं डिटेल में, बट वो
प्रीसा आप ट्राई कर रहे हो ना? यस सर। ओके। पुलकित पुलकित का माइक्रोफोन खराब हो जाता है यार। चलो आपको कोई मैसेज देना होगा तो आप चैट सेक्शन में दे देना। हाँ सर, हो गया। क्या एक तो ऐसे किए हो गया? ठीक है, ए स्क्वायर इक्वल टू 2 टाइम्स b² यस ओके। सर। टू डिवाइड, हाँ, 2 डिवाइड्स a² और 2 डिवाइड्स a ऑल्सो। ठीक है, उसके बाद यस क्योंकि वो फैक्टर है तो आप एज्यूम कर लिए होगे a इक्वल टू 2 टाइम्स c। सर। ठीक है, इसी तरह आपने एज्यूम किया होगा a इक्वल टू, मैं पूरा लिख नहीं रहा हूँ, a इक्वल टू फर्स्ट में टू वैल्यू टाइम सी। ठीक है, उसके बाद 1 में सब्स्टिट्यूट कर देना है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 यस। ए स्क्वायर मीन्स 4c² इक्वल टू 2b² और यहां से हमें मिल जाएगा 2b² 2c² इक्वल टू 2b² ना। ठीक है, तो यहाँ से यस आप सर। हमें पता चल रहा है कि 2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b² सो 2 डिवाइड्स b ऑल्सो। यस ठीक है, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया दोनों का, राइट? सो 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b। ठीक है, और कॉमन फैक्टर हमने शुरू में ही अज्यूम किया था कि कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, सो दिस इज अ इरेशनल नंबर। ठीक है, चलो ऐसे ही बनाना है बस आप लोग को भी, कॉन्ट्राडिक्शन हाँ, कंट्राडिक्शन करके। ठीक है, सो आप यहाँ लिख दो डायरेक्ट करना टू है इज अ बढ़िया। यस 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी विच इज कंट्राडिक्टिंग। That A and B has no common factors. A and B has no common factors. Hence, root 2 is irrational. ठीक है, पुलकित यस सर। सर कोई ऐसे भी तो डाउट? लिख सकते हैं, हाँ a एंड b आर को प्राइम। हाँ हाँ को प्राइम लिख सकते हो, कॉमन फैक्टर्स में को प्राइम, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इट मीन्स को प्राइम। हाँ यस आप लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट हमारा देखो दूसरा इस टाइप का प्रॉब्लम रहता है। यहाँ ये ए देखिए आपको गिवन रहेगा रैशनल नंबर और रूट भी रहेगा इरेशनल, तो हमें प्रूव करना है कि ए प्लस रूट बी जो है ये भी इरेशनल होगा। ठीक है,
ये वाला बहुत सारा प्रॉब्लम इस टाइप करेगा। 2 + √5 आप प्रूव करो कि इरेशनल है, या 3 - √7 प्रूव करो कि इरेशनल है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आएगा आपको, जिसमें आपको यही मेथड फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ भी हम एज्यूम कर लेंगे लेट a + √b, जस्ट हम कंट्राडिक्शन वाला एज्यूम करेंगे, a + √b, बी रैशनल, रेशनल बी अ रैशनल नंबर। ठीक है, इफ पॉसिबल। सो अब हम क्या लिख सकते हैं इसे, a + √b, क्योंकि एक रैशनल नंबर है, सो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, a + √b इज इक्वल टू यस p/q, वेयर p and q आर इंटीजर्स। एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट कर लेते हैं रैशनल और इरेशनल। ए हमारा एक रैशनल नंबर है, राइट, और p/q तो रैशनल होगा ही। रूट बी को हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं और इसे हम लिख सकते हैं p/q - a। अब देखो एक रैशनल नंबर से दूसरा रैशनल नंबर अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो दिस विल बी अ रैशनल नंबर। यस सर, एज डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर से हम ब्रैकेट में लिख देंगे p/q - a। ओके, p/q - a इज रैशनल, ऑलवेज रैशनल। सो √b इज अ रैशनल नंबर। विच इज कंट्राडिक्टिंग द फैक्ट दैट contradicting the fact that √p is irrational। ये गिवन है देखो आप प्रॉब्लम में ही। ठीक है, हेंस आवर assumption इज रॉन्ग, assumption is wrong and a + √b is irrational। यहीं तक बस, ये थोड़ा छोटा है देखो, irrational। yes। ठीक है, ये सिंपल सा है एक्चुअली, मैं अगर इतना नहीं लिखता तो और भी छोटा लगता। सिंपल सा है, आपको a + √b को एज्यूम कर लेना है रैशनल, उसे p/q के फॉर्म में लिख दो, फिर रूट वाले टर्म को सेपरेट कर लो, तो p/q - a हो जाएगा, और डिफरेंस ऑफ टू रैशनल नंबर हमेशा रैशनल होगा, सो √b मस्ट बी रैशनल। ठीक है, तो हमारा एजम्पशन और ये जो गिवन फैक्ट है उसका दोनों एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर रहा है, हेंस आवर एजम्पशन इज रॉन्ग एंड a + √b इज इरेशनल। ओके ओके।